हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक और मिसलिनियस सीरीज का पार्ट फोर। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था कि ये होती क्या है, इसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा था, अल्फा सीरीज पढ़ी थी। पार्ट थ्री में हमने क्या पढ़ा था, नंबर सीरीज पढ़ा था। पार्ट फोर में आज हम क्या पढ़ेंगे, मिसलिनियस सीरीज पढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स तक के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, प्री के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पीओ और क्लर्क दोनों के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या है, हमारी मिसलिनियस सीरीज है। क्यों मिसलिनियस सीरीज है, क्योंकि इसमें लेटर भी है, इसमें नंबर भी है, और इसमें सिंबल भी है। ठीक है, तीनों चीज़ है, तो ये बन गई हमारी मिसलिनियस सीरीज। अगर सिर्फ लेटर रहेंगे, जैसे एक ले लेते हम, जैसे पी ए एल एस क्यू डी जे, ऐसा करके लंबी सी सीरीज ही रहेगी, ये क्या रहेगी हमारी अल्फ़ा सीरीज का रहेगा। और ये क्या रहेगी, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। वैसे ही एक नंबर आ जाएगा 2 1 5 3 7 2 3 ऐसे वापस से, तो ये क्या हो जाती है, नंबर सीरीज़ हो जाती है। वैसे ही एक ही मिसलिनियस सीरीज है, हम मिसलिनियस सीरीज से सॉल्व करेंगे ताकि इसमें हम सब कुछ समझ सके। ठीक है, ऐसे ही रहती है नंबर, इसमें सिर्फ, इसमें तीनों चीज़ है, लेटर नंबर सिंबल, उसमें सिर्फ लेटर रहेगा और एक में सिर्फ नंबर रहता है। तो हम मिसलिनियस सीरीज का ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसा ये बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, इसको पढ़ के, इस सीरीज को पढ़ के हमें इसका आंसर देना, सीरीज आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड हैंस फ्रॉम अ ग्रुप। ठीक है, इनमें से चार ऐसे पेयर हैं जो क्या करते हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न रहेगा उसको चार फॉलो कर रहे हैं, और एक ऐसा रहेगा जो उसको फॉलो नहीं कर रहा। चार तो फॉलो कर रहे हैं और एक फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें वही वाला ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम हमारा पैटर्न चेक करेंगे कि ये जो है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, M5 डॉलर। M5 डॉलर कैसे आया, M5 डॉलर कैसे आया, हम देख सकते हैं सीरीज पे, सीरीज़ क्या दी हुई है, E$M5 और आगे पीछे लिखा हुआ। ठीक है, M5 डॉलर कैसे आया, M के पहले 5, M के बाद डॉलर। ठीक है, मतलब M के पहले 5 और M के बाद डॉलर, ऐसा लिखा गया है। अगला क्या लिखा गया है मेरा, A@4 कहाँ लिखा है, हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, 9 4A@factorial ऐसे लिखा हुआ है। A@4 मतलब पैटर्न क्या चल रहा है मेरा, 1 2 3 है जैसे, तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, पैटर्न कैसे चल रहा है मेरा, ऐसे और ऐसे। ठीक है भाई, अब अगला मैं चेक करूँगी, 3 EUR I। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, क्या कहाँ भी लिखा है हमारा, 3 EUR BI 3 EUR 6 D। ठीक है, 3 ये और ये। ठीक है, 3 के पहले ये है, बाद में ये, मतलब ये भी इसको फॉलो कर रहा है। अगला हम देखते हैं, N has question mark। अब कहाँ पे देखेंगे हम N has question mark, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2 N has question mark L ऐसा लिखा, तो N has, अब क्या होना चाहिए था मेरा, 2 होना चाहिए था, पर ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या ले लिया ये, इसमें कैसे ले लिया ये, ऐसे और ऐसे, जबकि मुझे क्या लेना था सीरीज के अकॉर्डिंग, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं करा। अब हम हमारे पांचवें ऑप्शन को चेक करेंगे, जो कि क्या है, L*? ठीक है, सीरीज में आप देख सकते हैं N has question mark L*O, L*? मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसे ही हम टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसका अगला ग्रुप हमें फॉलो करना है, क्या है पहला, M9E A factorial 9
टू हैज़ फैक्टोरियल। अब अगला हमारा क्या है, तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये कैसे आ गया हमारा, उसके बाद ये कैसे आ गया हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एम नाइन ई कैसे आया, सीरीज दी हुई है पी परसेंट ई डॉलर एम फाइव नाइन, ठीक है। क्या देखना है हमें, एम नाइन ई कैसे आया, एम तो ये रहा, फिर नाइन ये रहा, फिर ई ये रहा, मैं क्या समझ सकती हूँ, एम तो लिया मेरा, फिर एक इसको नहीं लिया गया, फिर नाइन को ले लिया, फिर इसको नहीं लिया, फिर ई को ले लिया, मतलब ई फिर यहाँ पे कुछ होगा, एम फिर यहाँ पे कुछ होगा, उसके बाद नाइन, ठीक है, एम नाइन ई ऐसा ले लिया, पहले आगे वाले को लिखा है, फिर पीछे वाले को लिखा और बीच का एक एक नहीं लिया है, ठीक है, समझ आ गया पैटर्न कैसा लिया है। तो अगला कैसा लिया इसने, ये सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हैं एम नाइन ई लिया, उसके बाद क्या ले लिया, एम नाइन ई के बाद ए ले लिया। अब सीरीज में मैं देखूँगी ई डॉलर एम फाइव नाइन फोर ए, कहाँ तक का आया था हमारा, एम नाइन ई, अब क्या लिया इसने, ए लिया, मतलब फिर एक को छोड़ दिया इसने, एक को छोड़ के नाइन के बाद एक को छोड़ के इसने ए को ले लिया, ठीक है, नाइन के बाद एक को हम छोड़ दिए, फोर को, उसके बाद ए ले लिए, तो ए से कैसे आ जाएगा हमारा, ए से फैक्टोरियल नाइन है क्या, हाँ है, मतलब ऐसे लिया इसने फिर से, ठीक है। अब फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल नाइन आया, अब फैक्टोरियल के बाद फिर उसने एक छोड़ दिया होगा, क्योंकि हमने देखा था पहले उसने फोर को हटाया, तो फैक्टोरियल के बाद अब ये सी को हटा देगा, आप सीरीज़ में देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, अब हम सी को हटा देगा, तो अब क्या आ जाएगा, सी टू एन हैज़ क्वेश्चन मार्क फैक्टोरियल, ठीक है, सी को मैंने फैक्टोरियल के बाद एक गायब हो गया मेरा सी, उसके बाद क्या आया मेरा टू हैज़ फैक्टोरियल, एक और एक मैंने छोड़ दिया, टू हैज़ फैक्टोरियल, आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है, टू हैज़ फैक्टोरियल। अब टू हैज़ फैक्टोरियल के बाद मैं क्या करूँगी, हैज़ के बाद फिर एक को मैं छोड़ दूँगी, मुझे फाइंड करना है अगला क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सीरीज़ ऐसी चल रही है हमारी फाइव नाइन फोर ए, ये क्या कर रहा है, कहाँ गया एम, एम से नाइन, नाइन से ई, फिर इसने एक छोड़ दिया, ए के बाद एट द रेट, फिर इधर आ गया नाइन, उसके बाद फिर वैसे लिया है टू हैज़ फैक्टोरियल। तो अब फैक्टोरियल के बाद हम क्या करेंगे, टू हैज़ फैक्टोरियल आया हमारा, फैक्टोरियल सी टू एन हैज़ क्वेश्चन मार्क एल स्टार ओ, ठीक, क्वेश्चन मार्क एल स्टार ओ। अब हम कैसे देखेंगे, फैक्टोरियल तक का लिया था हमने, फैक्टोरियल के बाद एक इसको हटा दिए हम, तो अब क्या आया हमारा, टू हैज़ फैक्टोरियल, ठीक, टू हैज़ फैक्टोरियल आ गया, टू हैज़ फैक्टोरियल। अब हैज़ के बाद क्या करूँगी मैं, क्वेश्चन मार्क को हटा दूँगी, जब मैं क्वेश्चन मार्क को हटाऊंगी तो क्या बचेगा मेरा एल, एल के बाद ओ आ जाएगा, एक हटा दूंगी इधर से, एक गायब कर दूंगी, उसके बाद हैज़ क्या मिला मुझे, एल ओ हैज़, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा हमारी सीरीज़ कैसे चल से चल रही है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो उसी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल ओ हैज़ कैसे आया, समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। एक इधर ले रहा है, एक इधर ले रहा है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव है, तो सिक्स सेवन ऐसा करके दिया हुआ है, तो मैंने दिया थ्री फाइव वन, फाइव के बाद एक मैंने छोड़ दिया, फिर क्या लिया मैंने फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है, जैसे ये थ्री के बाद वन आया, थ्री के बाद फाइव आया, ठीक, सिक्स को मैंने हटा दिया, उसके बाद मैंने लिया सेवन के बाद नाइन, सेवन के बाद फाइव, फिर टेन को हटा दूँगी, फिर वैसे लूँगी इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन आ जाएगा ट्वेल्व हट के, और इधर नाइन आ जाएगा, वैसी सीरीज ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल ओ एस, जहाँ पे भी ऑप्शन पे हमें ये लिखा हुआ दिख गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर एंड प्रीसीडेड बाई सिम्बॉल। क्या बोल रहा है कि इस सीरीज में सिक्वेंस में ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जो क्या कर रही है, ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर और प्रीसीडेड बाय सिंबल, ठीक है। डिजिट के पहले आना चाहिए सिंबल, डिजिट के बाद आना चाहिए लेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम हमारी सीरीज में चेक करेंगे हम कि क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डिजिट है एक, एक डिजिट के बाद एक लेटर है,
एक लेटर के बाद पहले ए, ये क्या है सिंबल है, ठीक है, डिजिट के बाद लेटर, डिजिट के पहले सिंबल। हम चेक करते हैं कि क्या हमारी सीरीज़ में ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं कैसे चेक करूँगी, सबसे पहले मैं सिंबल देखूँगी, सिंबल के बाद मुझे लेटर मिलना चाहिए, अगर लेटर मिल गया फिर मैं आगे चेक, ए सिंबल के बाद मैं देखूँगी मुझे डिजिट मिलनी चाहिए, अगर डिजिट मिल गया तो मैं क्या चेक करूँगी लेटर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहला सिंबल क्या है मेरा परसन, परसन के बाद ई है, लेटर है क्या ये, नहीं तो ये नहीं होगा। फिर क्या है डॉलर, डॉलर के बाद एम है, लेटर डिजिट लेना है पर मुझे, तो ये डिजिट आएगी क्या, नहीं तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो गया मेरा एट द रेट, एट द रेट के बाद क्या है फैक्टोरियल जो कि क्या है सिंबल, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर क्या आया मेरा हैज़, हैज़ के बाद आया मेरा क्वेश्चन मार्क, तो सिंबल के बाद सिंबल नहीं चलेगा। फिर क्या आया मेरा स्टार, स्टार के बाद क्या आ गया ओ, ओ के बाद, पर ये सिंबल के बाद क्या चाहिए मुझे डिजिट चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। डॉलर के बाद आ गया बी, सिंबल के बाद क्या चाहिए मुझे लेटर नहीं चाहिए डिजिट चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। फिर क्या आया मेरा सिंबल आ गया मेरा यूरो, यूरो के बाद क्या आ गया सिक्स, सिक्स के बाद क्या आ गया डी, मतलब मुझे ये एक मिला सिंबल, सिंबल डिजिट, डिजिट लेटर, लेटर, मतलब ये मुझे एक मिला है। उसके बाद कोई सिंबल है ये है पर इसके बाद का हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो एक ही हमें मिला है। तो ऐसे कितने कितनी डिजिट्स हैं जिनके पहले क्या है एक सिंबल है और बाद में क्या है एक लेटर है, तो केवल एक ही मिला है हमें, वो क्या है यूरो सिक्स डी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक, जहाँ पे भी एक रहेगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मैंने ये आप लोग को पढ़ा रखा है मेरी, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा जा कर के, उसमें मैंने सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है इसमें हमने ये पढ़ा था राइट से फोर्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, राइट से सेवन्थ, लेफ्ट से नाइन्थ, ये सब हमने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, इस सीरीज़ में फोर्थ एलिमेंट राइट से और सेवन्थ एलिमेंट लेफ्ट से, मैंने बताया था फ्रॉम और टू का, जहाँ से फ्रॉम रहेगा हमें वहीं से स्टार्ट करना है, फ्रॉम कहाँ से लेफ्ट से, ठीक है। तो हम लेफ्ट से काउंटिंग हमारी स्टार्ट करेंगे, और राइट और लेफ्ट अलग अलग है मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मैंने बताया था। तो सात और चार कितना हो गया हमारा ग्यारह हो गया, तो हमें क्या देखना है लेफ्ट से जो इलेवन नंबर पे आएगा सीरीज़ में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं लेफ्ट से इलेवन नंबर पे क्या आ रहा है, पी है पी परसेंट ई डॉलर एम फाइव, छः हो गई ये नौ, चार ए, ये क्या हो गए नौ हो गए हमारे टोटल, एट द रेट दस और फैक्टोरियल ग्यारह, मतलब क्या हो जाएगा मेरा आंसर फैक्टोरियल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा पांचवा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्वेंटी एलिमेंट टू द राइट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो कैसे बताया, सिर्फ लेफ्ट राइट का बताया है, लेफ्ट लेफ्ट का बताया, राइट लेफ्ट का बताया और राइट राइट का बताया, बट इसमें तो तीन दिए हुए हैं, तो तीन में अब हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें कहाँ से जाना है, मैंने बोला था जहाँ भी हमें फॉर्म दिख गया वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे लास्ट पे मैं देख सकती हूँ मुझे दिख रहा है टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से टेंथ काउंट कहाँ से करना है लेफ्ट से, उसके पहले क्या लिखा है फिफ्थ एलिमेंट लेफ्ट से, फिफ्थ एलिमेंट लेफ्ट से, लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट, अब क्या हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट है सेम सेम माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं टेंथ क्वेश्चन में टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हिंदी में भी आप देख सकते हैं टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिखा है और फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट लिखा है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट क्या हो गया माइनस हो गया। मुझे काउंट कहाँ से करना है लेफ्ट से करना है, दस में से पाँच गया पाँच, कितना गया कहाँ से काउंट कर रही हूँ मैं लेफ्ट से काउंट कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट से काउंट करना है मुझे। अब क्या बचा मेरा लेफ्ट से फिफ्थ बचा, ठीक, लेफ्ट से काउंट करना है। और क्या बोल रहा है इसके बाद ट्वेंटी एलिमेंट राइट, राइट से कितना बोल रहा है ट्वेंटी एलिमेंट, अब लेफ्ट राइट अपोजिट है मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अलग अलग है, तो बीस और पाँच कितने हो गए पच्चीस, काउंट कहाँ से करना है लेफ्ट से पच्चीस। अब मैं देखूँगी मेरी सीरीज़ में कि लेफ्ट से जो पच्चीस नंबर पर होगा कुछ भी हो सकता है, वो लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है या नंबर हो सकता है, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, हमने सीरीज़ में पिछले क्वेश्चन में काउंट कर लिया था फैक्टोरियल तक का इलेवन था, बट फिर भी अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं, पी परसेंट ई तीन हो गए, डॉलर एम फाइव छः हो गए,
94 ए 9 हो गए हमें, 25 तक का लेना, 25 वाला लेना, ठीक है। हमें कितना हो गए, 94 ए कितने हो गए, 9 हो गए। ए के बाद एट द रेट फैक्टोरियल सी 12 हो गए, 2n हैज 15 हो गए, क्वेश्चन मार्क एल स्टार 18 हो गए, ओ डॉलर बी 21 हो गए, आई 3 यूरो 24 हो गए, 6 क्या हो गया, 25वां एलिमेंट हमारा हो गया। तो जहाँ पे भी हमें 6 दिख गया ऑप्शन पे, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोगों को, हमने कैसे किया, लेफ्ट से गए हम, 10 था 10 ले लिए, लेफ्ट से गए हम 5 ले लिए, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, 10 में से 5 गया तो लेफ्ट से ही काउंट करना है हमें। अगला हमारा राइट से था 20, तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो ये हमने प्लस कर लिया, कितना मिला हमें 25 मिला, लेफ्ट से हमें काउंट कर लेंगे सीरीज में, जो लेफ्ट से 25 नंबर पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर, यहाँ पे ऐसे कितने सिम्बॉल हैं, ईच ऑफ विच आर आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिम्बॉल, कितने सिम्बॉल है जिसमें से आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट और प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, ठीक है। ये वॉवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। और हाँ, एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूँ, जब भी अगर ऐसे दिए रहेगा क्वेश्चन में, तो आप चेक कर कहीं पे भी आप एक बार रफ पे ऐसा लिख के रख लिया करो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। क्या होता है इससे कि हमें हेल्प मिल जाती है, लेटर रहेगा कहीं भी तो आप एल लिख देना, वॉवेल रहेगा तो वी लिख देना, कॉन्सोनेंट रहेगा तो सी लिख देना, सिंबल रहेगा तो आप एक सिंबल चूज़ कर लो। मैं हमेशा डॉलर लिखती हूँ तो मैं डॉलर लिख देती हूँ। नंबर आप चूज़ कर लो, कुछ भी नंबर लिख देना है, 2 3 5 ऐसा कुछ भी आप नंबर चूज़ करो, वो नंबर लिख दिया करना, ताकि आप लोगों को हमेशा पता रहे, ठीक है। एल से लेटर, वी से वॉवेल, सी से कॉन्सोनेंट, डॉलर से सिंबल और नंबर से नंबर, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, आइदर सिंबल के पहले आइदर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट और प्रिसीडेड बाय वॉवेल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया गया है आइदर और, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था एंड वाला, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन था वो जो मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें एंड से था कि ऐसा रहेगा सिंबल और इसके बाद नंबर था, उसके बाद लेटर था, ऐसे था आई थिंक। तो वैसा ही इसमें क्या बोल दिया गया है, आइदर और। तो आप ही क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं एंड लिखा है कि आइदर और लिखा है, जो लिखा रहेगा हम उसे ही फॉलो करेंगे। आइदर और मतलब या तो ये या तो ये, मतलब सिंबल के पहले हमें या तो सिंबल के पहले या तो हमें वोवेल चाहिए या फिर सिंबल के बाद हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। हमें या तो सिंबल के पहले वोवेल चलेगा या तो हमें सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट चलेगा, ये दोनों रहा तब तो हम उसे लेंगे। और जहाँ पे भी हमें वोवेल सिंबल कॉन्सोनेंट तीनों एक साथ दिख गया, वहाँ पे हमें उसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आइदर और नाम का एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। या तो ये लेना है या तो ये लेना है, ये दोनों नहीं लेना है एक साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम चलिए चेक करते हैं सीरीज़ में मैं देख सकती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले क्या देखूँगी, वॉवेल नहीं ढूँढूँगी मैं, कॉन्सोनेंट नहीं ढूँढूँगी क्योंकि लेटर बहुत सारे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सिंबल से चेक करूँगी। सिंबल मैंने देखा परसेंट, परसेंट के बाद मैंने देखा पहले क्या वॉवेल है, नहीं है। अब मैं चेक करूँगी क्या बाद में कॉन्सोनेंट है, बाद में कॉन्सोनेंट भी नहीं है। तो अब क्या लूँगी मैं, ये दोनों नहीं है। अब मैं जाऊँगी हमारे अगले सिंबल की तरफ, अगला सिंबल क्या है मेरा, डॉलर। डॉलर के पहले क्या वोवेल है, ई, हाँ है भाई। अब चेक कर लूँगी डॉलर के बाद कहीं कॉन्सोनेंट तो नहीं है, डॉलर के बाद कॉन्सोनेंट है तो मैं क्या करूँगी, इसे नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पहले वोवेल और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, दोनों में से केवल एक ही चाहिए, ठीक है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद अगला मैं देख लेती हूँ, अगला क्या है मेरा सिम्बॉल, अगला सिम्बॉल है एट द रेट। एट द रेट के पहले क्या वोवेल है, नहीं, फोर है। एट द रेट के पहले वोवेल है, हाँ है, ए है। बाद में कॉन्सोनेंट है, नहीं। मतलब मुझे क्या करना है, एक ही लेना है और एक मुझे मिल रहा है कि सिंबल के पहले क्या है मेरा वॉवेल है, मतलब एक मुझे मिल चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सिंबल क्या है मेरा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के पहले क्या वॉवेल है, नहीं है। अब बाद में चेक कर लेती हूँ क्या कॉन्सोनेंट है, आप देख सकते हैं हाँ है, वो क्या है, सी, कॉन्सोनेंट मिल रहा है मुझे सिंबल के बाद, मतलब ये भी मुझे एक मिल गया, एक और मिल गया मुझे। अब क्या चेक करूँगी मैं, अगला सिंबल देखती हूँ, अगला सिंबल क्या है मेरा हैज़ से चेक करते हैं हम। हैज़ के पहले क्या है, एन है, बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद एल है, ठीक है। तो सिंबल के पहले क्या वोवेल है, सिंबल के पहले वोवेल है, नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं। सिंबल ये भी क्वेश्चन मार्क भी एक सिंबल है, तो इसके पहले क्या वोवेल है, नहीं। इसके बाद क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ है। इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है।
सिंबल के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक मिल गया हमें। और क्या देखूंगी मैं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, अब क्या मिला मुझे, स्टार। स्टार के पहले वोवेल है क्या, एल। एल वोवेल क्या होता है, नहीं होता है। अब मैं देखूंगी स्टार के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, तो ओ क्या होता है, वोवेल होता है, मतलब दोनों नहीं है। अगला क्या है हमारा, डॉलर। डॉलर के पहले क्या वोवेल है, हाँ है भाई ओ। अब डॉलर के बाद मैं चेक कर लेती हूँ क्या कॉन्सोनेंट तो नहीं है, बी कॉन्सोनेंट है, मतलब इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगला क्या देखूंगी मैं, ये हो गया डॉलर तक का। अब यूरो, यूरो के पहले क्या मेरा वोवेल है, यूरो के पहले वोवेल नहीं है, यूरो के पहले वोवेल नहीं है, यूरो के पहले है हमारा थ्री, बाद में हमारा सिक्स, तो दोनों नंबर है, मतलब ये दोनों भी नहीं आएगा। अगला है क्या, ये है, इसके पहले क्या वोवेल है, नहीं, ये क्या है, एफ़ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। तो हमें कितने मिले, एक दो तीन, तो जहाँ भी ऑप्शन पे तीन रहेगा लिखा हुआ, ये पहला ऑप्शन है मान लो, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, इसी तरीके से पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे भी तीन लिखा हुआ दिख गया वहीं हमारा आंसर हो गया। आई होप सो कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सीरीज़ में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक और मिसलेनियस सीरीज़ के हर टाइप की क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगला चैप्टर अब हम अपना स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। आज की अल्फा न्यूमेरिक वाली क्लास यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, एंड अप करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, रक्त संबंध, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।